सलमान खान ने कटरीना कैफ के कहने पर किस डायरेक्टर के साथ मूवी की? किस डायरेक्टर को सलमान खान ने डेट नहीं मिलने की वजह से फटकारा? इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान खान के डायरेक्टर से चलने वाले पंगे के बारे में। सलमान ने वीर फिल्म की स्टोरी लिखी थी, मगर अपनी इस लिखी स्टोरी को सलमान खान कटरीना कैफ की एक सजेशन की वजह से फ्लॉप करा बैठे। दरअसल कैट के कहने के बाद सलमान खान ने गदर फिल्म डायरेक्ट करने वाले अनिल शर्मा से वीर मूवी को डायरेक्ट करवाया। हर किसी को लगा शायद ये मूवी सलमान खान ने लिखी है इसलिए हिट ही होगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। बताया जाता है कि खुद सलमान खान को डायरेक्टर अनिल शर्मा पर भरोसा नहीं हो रहा था, मगर कैट ने कहा था इसलिए आंख मूंद कर उनकी बात का कहना मान लिया और फिर सलमान खान के इस मूवी के 100 करोड़ बनने के ख्वाब टूट गए। सलमान ने इस मूवी को अपने करियर की सबसे बड़ी गलती माना था और फिर बाद में अनिल शर्मा के साथ कभी काम नहीं किया। सलमान अपनी उस कसम को आज भी निभा रहे हैं। अब तो कटरीना कैफ भी उन्हें अपनी पसंद का डायरेक्टर नहीं बता रही, जिससे मूवी पर किसी तरह का असर पड़े। वैसे तो सलमान खान और डायरेक्टर डेविड धवन एक साथ कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। इसके अलावा सलमान खान ने जोड़वा 2 में भी गेस्ट अपीयरेंस दिया था, मगर इस जोड़ी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन डायरेक्टर एक्टर के बीच मनमुटाव उस वक्त हुआ जब सलमान खान ने डेविड धवन को फिल्म पार्टनर 2 को जल्दी शुरू करने के लिए कहा था, मगर डेविड धवन वो शख्स निकले जिन्होंने सलमान खान की बात को कोई वैल्यू नहीं दी और पार्टनर 2 कब बनेगी इस बारे में भी कुछ नहीं बताया। कहते हैं कि डेविड धवन इसी दौरान जॉन अब्राहम के साथ हॉक या क्रुक को लेकर बिजी हो गई, जिनके साथ सलमान खान का काफी पहले से 36 का आंकड़ा है। अब ऐसे में सलमान खान को अपनी अनदेखी बर्दाश्त नहीं हुई। कहते हैं कि सलमान खान ने इसके बाद कभी भी पार्टनर 2 में दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसी के बाद से फिल्म अटक गई। एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि किक मूवी को पहले डेविड धवनी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन सलमान खान ने इन्हें लेने से मना कर दिया। सलमान ने किसी भी सूरत में डेविड धवन के साथ फुल टाइम मूवी करना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी सलमान खान जिससे पंगा ले लेते हैं उसे माफी के लिए मजबूर कर देते हैं, मगर डेविड धवन ने माफी नहीं मांगी और सलमान भी अपनी जिद पर अड़े रहे। डायरेक्टर रेमो डिसूजा के साथ भी सलमान खान के रिश्ते ऐसे बिगड़े कि एक साथ उसके बाद फिल्म नहीं की। दरअसल सलमान खान की मूवी रेस 3 को रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया था। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। सलमान को मूवी के फ्लॉप होने से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, बल्कि रेमो डिसूजा ने एक बयान ऐसा दिया जिससे वो सलमान खान की बैड लिस्ट में शामिल हो गई। बाद में सब ठीक हुआ और दोनों के बीच आज बेहद अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन सलमान खान दोबारा स्क्रीन के लिए पैचअप करने को राजी नहीं। दोस्तों, डायरेक्टर के साथ सलमान खान के मनमुटाव को आप किस तरह देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।